तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सीए रूपक मिगलानी। मेरे दोस्तों मेरा नाम है रूपक मिगलानी और आज हम बात करेंगे मेरे दोस्तों गुड्स का माना क्या होता है जीएसटी में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेक इट अ प्रॉपर एनालिसिस इन अ डिटेल वे सो एज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फर्दर चैप्टर्स माय डियर फ्रेंड्स। या ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, so friends, before moving further, let me introduce to the new batch that the Unacademy have come up with. All right, so friends, frequent delays, uncertain schedules and a long wait, need not to worry. Unacademy have a solution for you. Yeah, Unacademy have come up with a wonderful batch for the CA foundation aspirants who have opted out for the Jan 2021 examination. The batch is Brahmastra batch. Yes, my dear friends, Unacademy have the solution for everything. And Brahmastra batch, my dear friends, you will going to experience the quick super revision of CA Foundation, all the subjects in CA Foundation relating to all the subjects of the CA Foundation, my dear friends. So what are you waiting for? Just fasten your seat belt for this batch, Brahmastra batch, which has started from 15th of December 2020. Alright my dear friends, and to avail an amazing discounts, you can just apply to the given below coupon code RoopakMiglani323. So friends, meaning of goods under the GST. Alright. My dear friends, as far as the definition of goods is concerned, the same has been given under section 2, subsection 52 of the CGST Act. Alright, and what does it mean? We're going to proceed further and we're going to understand the same. See, these are the goods. These all are considered as the goods, whatever has been given you in this slide. My dear friends, let's understand and let's go through the definition. First of all, what does 2 section 52 say? Alright, goods means every kind of a movable property. Chalo bhaiya, ek mudda to bahar nikal ke aaya ki ye movable property keh raha hai. Other than money and securities, dusra mudda ye samajh mein aaya ki bhaiya exclude kar raha hai kya? मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, पहला मुद्दा ये मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा ये एक्सक्लूड करता है मनी एंड सिक्योरिटीज। बट आगे सुनिए मेरे दोस्तों, बट इट इंक्लूड्स द एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स ही, आइए इसको तोड़ मरोड़ के समझते हैं मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है एक्चुअली। चलिए, गुड्स, माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, मूवेबल प्रॉपर्टी आर समथिंग व्हिच आर ऑफ अ मूवेबल नेचर एंड समथिंग व्हिच कैन बी बॉट ऑर्डिनरली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। भैया जिसको ऑर्डिनरी कोर्स में मार्केट में ला के बेचा जा सकता है, कैपेबल ऑफ बींग सोल्ड इन द मार्केट, ऑल राइट, उसे हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल राइट, विच इज कैपेबल ऑफ बींग बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट शैल बी दी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे मार्केट की बात हुई है, तो मार्केट कैसे हो सकते हैं? दो प्रकार के मार्केट हो सकते हैं मेरे दोस्तों। एक हो सकता है भैया ऑर्डिनरी मार्केट, ठीक है, एक होगा नॉन ऑर्डिनरी मार्केट। ऑर्डिनरी मार्केट मतलब मान के चलिए ये राजू है, ठीक है, राजू अपने रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स करता है, ही हैज अ रिटेल स्टोर इन सम सॉर्ट ऑफ अ मार्केट, एक्चुअल मार्केट प्लेस इन पर्टिकुलर सिटी। ऑल राइट, सो दैट इज अ ऑर्डिनरी मार्केट। ऑल राइट, ही सेल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। So this is a ordinary market. But where is non-ordinary market is concerned, let's take an example. मेरे दोस्तों एक example ले रहा हूँ मैं यहाँ नीचे पे। Friends, राजू है, ठीक है, राजू की कैटरीना से बात हुई थी और कैटरीना ने बोला कि मैं आपसे मिलने 5 बजे शाम को सीसीडी में आऊंगी, ठीक है, ऐसी बात हुई थी सीसीडी में मिलने की राजू और कैटरीना की। ऑल राइट, लेकिन मेरे दोस्तों क्या हुआ कि आपको तो पता है हमेशा क्या होता है लड़कों के साथ, कैटरीना नहीं आई दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, कैटरीना 5 बजे नहीं आई और राजू इतना एक्साइटेड था ना उससे मिलने के लिए कि भाई साहब उसने एक गुलदस्ता बनाया, ठीक है, ये बना गुलदस्ता, नीचे लाइट जलती रहे बॉस,
अच्छा सा कुछ अलग सा इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मस्त था, बढ़िया टाइम था उसके पास, उनने बना लिया गुलदस्ता, लाइट जल रही जिसमें, ठीक है। अब वो आया नहीं, कौन नहीं आया, नहीं आई नहीं सॉरी वो आई नहीं कौन, कैटरीना नहीं आई दोस्तों। वो वहां रास्ते से ही एक मजनू महेश गुजर रहा था, वो भी कुछ देख रहा था अपनी वाली के लिए, कुछ लेने के लिए। तो उसने क्या किया, राजू ने ये गुलदस्ता उठा के वो दूसरे मजनू महेश, एम फॉर महेश या मजनू जो भी है, उसको बेच दिया। अरे मेरे दोस्तों, ये जो बेचा, ये ऑर्डिनरी मार्केट है क्या, ये धंधा क्या, उसका धंधा है क्या राजू का, कि भाई ये रोज किसी ना किसी को बोलता है, रोज उसका मतलब होता है, तो ये धंधा नहीं है उसका, ठीक है। उसने भैया वंस इन अ वाइल, यू नो वंस इन अ ब्लू मून ऐसा कुछ घटना घट गई उसके साथ, और उसने ये उठा के बेच दिया। ये ऑर्डिनरी मार्केट है क्या, बोलो नहीं दोस्तों, ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स में होना नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत हो रहा है, ये नॉन ऑर्डिनरी मार्केट हुआ। लेकिन ये भी क्या होगा, इसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मैं बता रहा था आपको परिभाषा में से एक शब्द निकाला, एक शब्द को तोड़ मरोड़ के हमने समझा कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भैया विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, रॉबर्ट, ऑल राइट, कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड इन टू द मार्केट, एंड नाउ मार्केट कुड बी ऑफ टू टाइप्स एज वी हैव डिस्कस। नाउ प्रोसीड फर्दर, प्रोसीडिंग फर्दर, इट सेज गुड्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ऑल राइट। वॉट इज एक्शनेबल क्लेम्स माई डियर फ्रेंड्स, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन में दो चीज आई, इट इंक्लूड्स समथिंग एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स, ठीक है, ये दो चीजें आई। पहले हम बात करते हैं वॉट डज इट इंक्लूड्स, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम ये इंक्लूड करता है दोस्तों। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। राजू, मेरे दोस्तों, राजू पहुंचता है एक बैंक के पास, ये हमारा फेवरेट आर्टिस्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए, मिस्टर राजू जी, ठीक है। राजू भाई, राजू जी गए हैं बैंक में लोन लेने, ठीक है, बैंक पे लोन लेने गए हैं, और उसने अपने गुड्स को गिरवी रख दिया है, उसको हाइपोथेकेट कर दिया है, ठीक है। दिस हैज बीन, गुड्स हैज बीन हाइपोथेकेटेड विद द बैंक, ऑल राइट। ये जो भी गुड्स है उसके, वो गुड्स हाइपोथेकेट कर दिए, और इसके बदले बैंक ने राजू को क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। इसके बदले बैंक ने राजू को दे दिया लोन, ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि राजू निकल गया थोड़ा डिफॉल्टर किस्म का, उसने बैंक को लोन पे नहीं कर पाया, बैंक वापस पहुंच गया इसके गोडाउन जहां पे इसका स्टॉक पड़ा था, स्टॉक उठा के लेके चला गया। तो दोस्तों, ये घटना जो घट रही है, आप समझ रहे हैं, ये घटना जो घट रही है क्या हो रहा है, बैंक के पास एक अधिकार था, क्या अधिकार था, कि भैया राजू तुमने लोन नहीं दिया तो हम अपना क्लेम जो है, हमारे पास जो अधिकार है उसको मटेरियलाइज कर लेंगे, कहने का मतलब वो एक्शन पे आ जाएगा और वो क्लेम एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा मेरे दोस्तों, राइट। अपना अधिकार क्लेम का मेरे दोस्तों मटेरियलाइज कर रहा है बैंक, दिस इज व्हाट एक्शनेबल क्लेम, ऑल राइट। सो दिस इज व्हाट एक्शनेबल क्लेम इज। एंड सिमिलरली मेरे दोस्तों, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग इज ऑल्सो एन एक्शनेबल क्लेम, ओके। तो गुड्स इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम, दिस इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, हाँ, गुड्स डज नॉट इंक्लूड्स, ओके, गुड्स डज नॉट इंक्लूड। एक चीज और भी है मेरे दोस्तों गुड्स इंक्लूड्स में, एक चीज और है मेरे दोस्तों, व्हाट इज दैट, एक्शनेबल क्लेम हमने पढ़ लिया, ओके। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, ग्रोइंग क्रॉप्स, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है, इसका एग्रीमेंट हुआ मिस्टर ए के साथ, ठीक है, और इसने बोला कि भाई साहब आप क्या ग्रो करोगे लैंड पे, आप लैंड पे ग्रो करोगे मेज, ठीक है, वो ग्रो हो जाएगा कल्टीवेट करके, आप मिस्टर ए को उठा के बेच दोगे, तो दिस इज व्हाट, दिस विल गोइंग टू बी दी ग्रोइंग क्रॉप, दिस विल गोइंग टू बी दी ग्रोइंग क्रॉप विच इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ गुड्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ऑल राइट। मेरे दोस्तों, एक चीज समझना यहां पे जरूरी है कि विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ ना, जैसे ये एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मिस्टर ए के साथ, फार्मर मिस्टर ए का, कि भाई साहब आप ये ग्रो कर रहे हो मेज, हमें बेच दीजिएगा बाद में, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रोइंग क्रॉप कहलाएगा, और चूंकि ये ग्रोइंग क्रॉप है, इट इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इज दैट ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स। सो वी हैव सीन व्हाट डज इट इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स वन एक्शनेबल क्लेम, सेकेंड ग्रोइंग क्रॉप्स। Now we'll move further and we'll discuss कि भाई साहब what does it not include, वो include क्या नहीं करता है मेरे दोस्तों, it does not includes
Yes. It does not includes the following. It does not includes what? Money and shares. All right, money and shares or securities, whatever. All right. भैया मनी मनी मतलब क्या होता है? मनी मतलब लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मतलब पुराने 500 के नोट. सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? करंटली जो चल रहे हैं ना वो लीगल टेंडर की बात हो रही है. द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस मनी की बात हो रही है मेरे दोस्तों. एंड इट विल नॉट इंक्लूड दैट मनी. ऑल राइट. और एंड इट विल नॉट इंक्लूड द सिक्योरिटीज एज वेल, शेयर्स एज वेल. ऑल राइट. लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अब इंटरप्रेट करना है इसको. राजू है भाई साहब, राजू की आदत थी 10C, ये देख रहे हैं आप चित्रकला में 10C, चवन्नी, चिरोंजी, क्या क्या बोलते हैं इसे, है ना, ये 5-5 पैसे, ये इकट्ठा करने की इसकी आदत थी. ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करने की इसकी आदत थी. ठीक है, ये इसकी वैल्यू है. एक्चुअली वैल्यू मतलब इसकी जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है प्राइस, वो टोटल मिला के मेरे दोस्तों ये हो रहा है 100 रुपए का. ठीक है, अब भैया इसको राहगीर एक चलता फिरता उसके जैसा कोई मिल गया, भैया मेरे को भी शौक है. अब उसके पास ये सारे कॉइन्स नहीं थे जो राजू के पास थे, उन्होंने बोला मैं खरीद लेता हूँ मेरे दोस्त. राजू बोला ठीक है खरीद ले. तो वो बोला कितने में बेचेगा? तो राजू बोला भाई साहब मैं आपको 100 रुपए के जो है ये 1,00,000 रुपए में दे पाऊंगा, बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया हूं. तो मेरे दोस्तों यहां पे ऐसे गुड्स की बात नहीं है और ऐसे मनी की बात नहीं हो रही. ये तो इट इज गेटिंग सोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमिस्टिक वैल्यू. वी कॉल इट बिकॉज ऑफ इट इज न्यूमिस्टिक वैल्यू. ऑल राइट. तो यहां पर ये गुड्स नहीं होगा मेरे दोस्तों. ये गुड्स होगा, राइट? क्योंकि इसकी न्यूमिस्टिक वैल्यू सेल हो रही है. ठीक है, एक्चुअल में वो सिर्फ मतलब 100 रुपए की चीज अगर 100 रुपए में जाती थी तो वो एक बात अलग होती थी. तो डेट वॉज अ मनी. ओके, सो इट डज नॉट इंक्लूड मनी, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर इट विल बी इंक्लूडेड एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ गुड. ऑल राइट. इफ वी जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, राजू एंड हियर इज अ फॉरेन लेडी. ओके, ये फॉरेन लेडी आई, इसके पास कुछ डॉलर्स थे और राजू ने बोला कि लाओ भैया इंडिया आए हो, आओ घूमो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ ये डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराने के लिए. ठीक है, तो इसने कुछ डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करा दिया जिसकी वैल्यू आ गई 10,000. तो मेरे दोस्तों क्या ऐसे मनी की बात हो रही है? मेरे दोस्तों ये मनी चेंजर की तरह काम कर रहा है. राजू मनी चेंजर की तरह काम कर रहा है. तो ये जो मनी चेंजर है दोस्तों, ठीक है, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो इट इज कवर्ड अंडर सप्लाई. आई शुड नॉट से दैट गुड्स है या सर्विस है. आई शुड से कंप्रेहेंसिवली और इन इफ आई से इट वेरी प्रिसाइसली, दिस इज अ सप्लाई. मोर ओवर दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द राजू. तो ऐसे मनी की बात नहीं हो रही जो एक्सक्लूड होता है गुड्स की डेफिनेशन में. आया समझ में मेरे दोस्तों? आया? यस. सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3. शेयर्स सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे थे मेरे दोस्तों. राजू अपने शेयर्स बेचता है रिलायंस लिमिटेड के रमेश को. ठीक है, तो ये जो शेयर्स बेचना हो रहा है, ठीक है, इसे बोल रहे हैं सिक्योरिटीज. और ये सिक्योरिटीज क्या है? ये सिक्योरिटीज गुड्स नहीं होंगे. ये गुड्स नहीं होंगे. अब मान के चलिए मेरे दोस्तों, राजू जो है, ये राजू एक एजेंट की तरह काम कर रहा है. और ये लेता है भैया, उठाता है किसी से शेयर्स, एक्स से शेयर्स उठाया उसने और इसने हेल्प किया वाई को बेचने में, एक्स के शेयर्स वाई को बेचने में हेल्प किया. इसने बदले में एजेंट की तरह ब्रोकिंग सर्विसेज चार्ज की, ब्रोकिंग कमीशन चार्ज किया, ब्रोकरेज चार्ज किया. ठीक है, ही वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट और अ ब्रोकर. ठीक है, सो दिस इज वॉट, हम ऐसे सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं क्या? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही. ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक एडिशनली. कौन? राजू. ठीक है, तो दिस इज दी अनादर ब्रोकिंग सर्विस. राजू इन दिस एरिया इज अ सर्विस प्रोवाइडर. हम यहाँ पे गुड्स में ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहे थे कि भाई इसको एक्सक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है. ये जो चीज हो रही है, ये जो घटना घटित हो रही है, राजू जो कर रहा है, ठीक है, ये शोभा देता है इसको? हाँ बिल्कुल देता है. ये एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है और साफ साफ काम करके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले पैसे चार्ज कर रहा है. दैट्स इट मेरे दोस्तों. ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड सिंस द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द एंटायर जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विस टैक्स. भैया गुड्स समझ लो पहले, यहीं से तो स्टार्ट है जीएसटी पूरा, है ना. तो ये बहुत जरूरी मेरे दोस्तों, और इसको तोड़ मड़ोड़ के हमने समझा. और आई होप, आशा होती है, आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि आप सभी को ये चीजें समझ आई होगी. ये देखिए मोड़े हमने, इसको फिर तोड़े. यस,
All right. So this was the definition of goods given under Section 2, Subsection 452 of the GST Act, my dear friends. So friends, thank you so much for joining me in this YouTube channel, CA Rupak Miglani. And my dear friends, till the time we come up with another video with another topic to discuss with you all guys. Till then, take care. Goodbye. Jai Hind, mere dosto. Tada.